अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। सो क्लास, हमने अपनी आर्ट बुक का काम स्टार्ट किया और आपको पता है इस टाइम जो है आप विजुअल आर्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने कलरिंग और पेंटिंग से हट के कुछ करना है, ठीक है, जिसमें हम आर्ट करना, कोई चीज़ ड्रॉ करना, हम लाइंस को किस तरह से ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम इसमें और हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने जो लाइन सीखी कहते हैं वर्टिकल लाइन, जो हमने की वर्टिकल लाइन मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, जो बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन जो शो होती है। उसके बाद हमने कौन सी लाइन की, उसके बाद पेज नंबर 2 पे हमने हॉरिजॉन्टल यानी फ्लैट लाइन ड्रॉ की, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि ये लाइन, इसे हम कहते हैं लाइंग लाइन, मतलब कि वो लाइन जो लेटी हुई होती है, या जैसे हम स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं कि लाइन जो सोई हुई है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्लैट पड़ी हुई है, ठीक है, इसे हम कहते हैं फ्लैट लाइन, सही। तो हमने फ्लैट लाइन सीखी, फ्लैट लाइन पर हमने ट्रेसिंग भी की और लाइन भी ड्रॉ की, ठीक है। उसके बाद हमने आज करना है पेज नंबर 3, और पेज नंबर 3 पे हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, आप लोगों को यहाँ लाइन शो हो रही है, पहले हमने की थी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, स्ट्रेट एंड फ्लैट लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे डायगोनल लाइन, ठीक है, इसे कौन सी लाइन कहते हैं, वो लाइन जो कर्व आ रही होती है, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ शो हो रही है लाइक दिस, इस तरह से लाइन जो आती हैं उसको हम कहते हैं डायगोनल लाइन्स, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ लाइन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ से लाइन स्टार्ट की, लाइक दिस, ठीक है। आप बाद में इन लीव्स में कलर्स भी कीजिएगा, लाइट सा ग्रीन कलर या डार्क भी कर सकते हैं, पर उस कलर जो करते करेंगे आप, तो साथ में आपने अपनी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है, लाइन से हट के कलर्स करने हैं। अब हमने यहाँ पर डायगोनल लाइंस की ट्रेसिंग किया, यहाँ पर अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन, ठीक है, इसे हम स्लैंटिंग लाइंस भी कहते हैं, वो लाइन जो जो है वो ना अपसाइड जा रही होती है स्ट्रेट, ना डाउनसाइड स्ट्रेट जा रही होती है, मतलब सीधी, ना वो ऊपर से नीचे सीधी आ रही होती है, वो ना वो नीचे लाइक नीचे की तरफ लेटी हुई सीधी होती है, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट थी, पर वो लेटी हुई लाइन थी, फ्लैट लाइन थी, ठीक है। उसी तरह डायगोनल लाइंस में ये होता है कि इसे हम कहते हैं तिरछी लाइन, लाइक वो लाइन जो नीचे से ऊपर की तरफ जा तो रही होती है पर सीधी नहीं जाती, वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर जा रही होती है, तो जिस तरह से उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, ठीक है, क्योंकि वो तिरछी होकर जा रही होती है, वो टेढ़ी होकर जा रही होती है, जिस तरह से हमारी ये लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं जा रही, हमें जो यहाँ लाइन ड्रॉ की वो स्ट्रेट नहीं जा रही, उसे हम थोड़ा सा स्लोप शेप पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो हमने यहाँ पर भी ड्रॉ किया, ठीक है, ये हो गई हमारी प्रैक्टिस। तो कल को जब हमें कोई बड़ी चीज़ बनानी हो तो उसमें हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं ना, और हमें पता होगा कि इसको कौन सी लाइन कहते हैं, ठीक है क्लास। सो नेक्स्ट टाइम न्यू आर्ट पेज के साथ और न्यू लाइंस के साथ मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। फी अमानिल्लाह।